अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमने 8 क्लास के कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं। हमने ये सीरीज़ एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए स्टार्ट की हुई है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। इससे पहले हमने इस्लामियात मैथ के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। अब हमने कंप्यूटर के स्टार्ट किए हुए हैं, इसे 6 और 7 के कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी कम्प्लीट हो गए। ये 8 क्लास के एमसीक्यूज हैं, तो आप लोग इनको साथ साथ अच्छे से करते रहें। आज हमने एमसीक्यू 25 करना है कि करैक्टरिस्टिक ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। करैक्टरिस्टिक कौन सी है ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, वो क्या करती है कि लीस्ट एक्सपेंसिव, वो कम एक्सपेंसिव होती है, इजी टू इंस्टॉल, ये क्या होती है इंस्टॉल की जा सकती है इजीली। नेक्स्ट है कि द कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड टू बी द, जो वायरलेस के अलावा हम जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो किसके थ्रू से कर सकते हैं, वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन होती है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन में कोई भी किसी भी किस्म की वायर नहीं होती, विदाउट वायर के हम कहीं भी किसी भी कंट्री क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 27- इज एन आर द नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, इनमें से कौन सा नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है। नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो किसी भी जगह की निशानदेही करता है, तो इसमें कौन सा होता है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स होता है। नेक्स्ट है जी इस एन आर वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा बिटवीन द डिफरेंस डिवाइसेस, इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो सिंपल हम ब्लूटूथ। अब तो हम व्हाट्सएप के थ्रू से क्या कर सकते हैं चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, बट इस ऑप्शन के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू हम पहले क्या करते थे चीज़ों को एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर लेते ट्रांसफ़र कर लेते थे सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं जी, ट्वेंटी नाइन है ब्लूटूथ ऑफर्स द सर्विस लाइक द, ब्लूटूथ किस तरह के सर्विस हमें प्रोवाइड करती है कि ये फाइल शेयरिंग करती है और वॉइस ट्रांसफर करती है, ठीक है। हम इसके थ्रू से किसी भी किस्म का डाटा एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ए एंड बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ब्लूटूथ के थ्रू से हम जो भी चीज़ होती है एक साल से दूसरे साल में ईजिली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है कि LAN स्टैंड फॉर, LAN की कंप्लीट फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को आप लोग अच्छे से याद कर लिया करें, ऐसे तो किसी भी किस्म के एग्जाम में पूछे हुए होते हैं तो याद कर लिया करें। नेक्स्ट भी शॉर्ट फॉर्म ही है कि 31 के WAN स्टैंड फॉर, WAN के फुल फॉर्म क्या होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है जी MAN स्टैंड फॉर, MAN की भी फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा ये पीछे हमने इसके MCQs भी किए थे कि कितनी टाइप्स होती है कंप्यूटर की, तो उसी में से अब ये शॉर्ट बन गया कि MAN की फुल फॉर्म क्या होती है, MAN की फुल फॉर्म क्या होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है जी NIC स्टैंड फॉर द, NIC की फुल फॉर्म क्या होती है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। ये भी सारे जो भी शॉर्ट फॉर्म बोले ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने क्या करना है अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है 34 अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स द शेयरिंग ऑफ, जो कंप्यूटर होता है वो किस तरह की शेयरिंग की इजाज़त देता है, वो होता है रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन, इनकी क्या कर देता है इजाज़त देता है। नेक्स्ट है इज एन आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स टू पॉइंट लिंक्स, जो पॉइंट टू पॉइंट्स को लिंक करता है वो क्या होती हैं उनको रिंग टोपोलॉजीज कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है सबको एक साथ ही जोड़ के रखता है, वो होती है रिंग टोपोलॉजीज, जो आपस में कनेक्शंस रखती हैं डिफरेंट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड इज इन्वॉल्व, कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान जो कम्युनिकेशंस होती है वो किसके थ्रू से होती है, वो सिंपल होती है। ये देखें कंप्यूटर से हम कुछ इनपुट, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं इनपुट देते हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर चल जाती है, वो हमें आउटपुट शो कर देता है। द नेक्स्ट है 37 द डैश इज एन आर द फिजिकल पाथ ओवर द मैसेज ट्रैवल्स, फिजिकल पाथ कौन सा होता है जिसके अंदर से मैसेज क्या कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, वो होता है मीडियम। नेक्स्ट देखते हैं जी 38 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेलियर्स एंड द नेटवर्क रिकवर्स द टाइम आफ्टर अ फेलियर्स आर विद द मैसेज ऑफ डैश नेटवर्क, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कि क्या बनता है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पर फेलियर होती है जो करेक्ट हो जाती है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है 39 को देखते हैं हम, 39 का 39 हमने करना है 39 है कि
एन अनऑथराइज्ड यूज़र इज़ द नेटवर्क इशू, वो क्या होता है, सिक्योरिटी इशू होता है जिसके थ्रू से डिफरेंट इशू पैदा हो जाते हैं। 40 है कि अ टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसमिशन। टेलीविज़न कौन सी ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल है, ये सिंपल ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन अ LAN, इनमें से कौन से यूज़ है, सिंपल नहीं है LAN। अब LAN की फुल फॉर्म भी याद कर लें थे, लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। ऐसे जो जो शॉर्ट फॉर्म आते जाए आप लोगों ने उनको खुद से याद करते जाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज़ द LAN, इनमें कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती है LAN लोकल एरिया नेटवर्क में, वो मोडेम, मोडेम क्या होती है, इसमें यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, इनमें से कौन सी चीज़ है जो जिसके थ्रू से हम डाटा को बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है GPS। GPS के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है Wi-Fi यूज़ फॉर, ये किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, ये रेडियो वेव्स के थ्रू। आज देख ले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया 8 क्लास के ऑल MCQs, तो आप लोगों ने इनको क्या कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 8 क्लास का, तो आप लोग कोशिश क्या करें कि साथ साथ इनको कंप्लीट करते रहें, आप लोगों का अपने ही फ़ायदा होगा। ये हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे PPSC को, FPSC को, FIA को हो। आप लोग PPSC के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोग इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, बेसिक मैथ, मैंने बेसिक मैथ के क्वेश्चन किए हुए हैं, बट मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद बेसिक मैथ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों के बेसिक मैथ के भी कंप्लीट हो जाए, उनको भी आप लोग एक बार देखते रहें साथ साथ। और जो भी आप लोगों के पास अगर एजुकेटर्स की तैयारी करनी है तो आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक्स उठाएँ 4 से लेके 8 तक के, तो मस्ट आप लोग इनको रीड कर लें, और ख़ासतौर पर हिस्ट्री, जोग्राफिया, इस्लामियात, उर्दू और बेसिक मैथ, इनको तो लाजमी रीड कर लें, और साथ साथ PPSC की कोई भी बुक ले लें उसको रीड करते रहें।